नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स वर्ल्ड पर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए चाचा चौधरी की एक बहुत ही मज़ेदार कॉमिक्स जिसका नाम है चाचा चौधरी और अफलातून। तो बहुत ही गजब की कॉमिक्स है और इसमें दो तीन कहानियाँ और भी हैं। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। जिन्होंने नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब मिलते रहते हैं तो हमारा भी मन होता रहता है वीडियो बनाने का और आप लोगों को भी मनोरंजन के लिए एक छोटी छोटी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहती हैं मज़ेदार। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताया करें दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगता है। तो चलिए हम शुरू करेंगे चाचा चौधरी और अफलातून। अफलातून, मैं शहर के दुकानदारों से 1.5 लाख रुपये का टैक्स लेकर आया हूँ। मैं फैक्ट्रियों से 2 लाख रुपये वसूल करके लाया हूँ, यह रकम कम है। मैं व्यापारियों से 10 लाख रुपए लेकर आया हूँ, हो शाबाश। लेकिन अफलातून के खर्चे बढ़ गए हैं, इसका बोझ शहर के व्यापारियों को उठाना होगा। जारो ठीक कहता है, रुपए की वसूली ज़्यादा करो। नंबर 25 और नंबर 26 आओ, मौत की रानी में बैठो। कार मौत की रानी करेंसी नोटों से भरकर लानी होगी। लाला, अफलातून का टैक्स दो। कल ही तुम पैसे लेकर गए थे, आज नहीं। धाय, सारा कैश बॉक्स ले चलते हैं। क्या चीनी है? क्यों नहीं चाचा चौधरी, अभी देता हूँ। सेठ, देखता नहीं, धूप में मेहमान आए हैं, पंखे का मुंह इधर करो। लो, हाँ, अब 10,000 रुपये टैक्स निकालो, यह मेरे लिए बड़ी रकम है। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हें गोली मारकर तुम्हारा सारा कैश बॉक्स ले जाएंगे। नहीं, यह अन्याय है। पहले इस मिर्च पाउडर का स्वाद चखो। ओह, मिर्चे मेरी आँखों में, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जलन मच रही है। यहाँ से चलते बनो। चाचा चौधरी, आज तुमने मुझे बचा लिया, जल्दी से चीनी दो, घर जाकर मुझे चाय पीनी है। उधर अफलातून के पास, तुम्हें सर मानी चाहिए, तुम तीन वह अकेला, फिर भी तुम पिटकर आ गए। जब तक वह चूहा है हमारी खीर में कॉकरोच बना रहेगा, उसे नरक भेजना होगा। चलो चाचा चौधरी को पार्सल करें। बिनी, चाय अच्छी बनी है, सारी थकावट जाती रही। चूहे, यह तुम्हारा आखिरी घूंट है, यह तुम कैसे कह सकते हो? अभी मेरे कप में चाय बाकी है, बाकी चाय तुम्हारे नसीब में नहीं है, इसी क्षण तुम मरने जा रहे हो। धड़ाक, आऊ, तट, उसने हमारे काम में विघ्न डाला, उस लंबू को भून दो। मुझे मच्छरों की भिनभिनाहट पसंद नहीं। धड़ाक, आऊ, बचाओ, वाओ वाओ। चाची, अब मैं चैन से लस्सी पीऊंगा। तो दोस्तों, अगली कहानी है डग डग की चोरी। चाचा जी, बड़ी प्यास लगी है, हम ट्रक डग डग को खड़ा करके पानी की तलाश करते हैं। साबू, मुझे वहाँ पानी नज़र आ रहा है, जल निर्मल और मीठा है। हो एक ट्रक लावारिस खड़ा है, इसे ले चलता हूँ, अपने काम आएगा। सर्राट, अरे डग डग कहाँ गया? हमारे पीछे से कोई उसे चुरा कर ले गया है। मुझे दूर दक्षिण की तरफ धूल उड़ती नज़र आ रही है, हमारी गाड़ी वहीं है, हम उसे कुछ दूरी पर पकड़ लेंगे, बिना डग डग के हमारा गुजर कैसे होगा? जाड़ो, तुम आ गए? हाँ मनवीर, देखो मैं एक ट्रक लाया हूँ, अपना स्मगलिंग का सामान इस पर ढोएंगे। इसे प्लास्टिक की सीट से ढक दो, कहीं पुलिस इसे पहचान न ले। अपना ट्रक होने से हम माल ढोने की कई शिफ्टें कर सकते हैं, हम अमीर हो जाएंगे। दूसरे दिन, आओ उस ट्रक से सीट हटाएं और उस पर माल लादना शुरू करें, तुम उधर से और मैं इधर से सीट हटाता हूँ। धड़ाक, धड़, हमने ट्रक को ढक दिया था, पर तुमने इसे कैसे पहचाना? हमारे डग डग के टायरों में सबसे ज़्यादा टुकड़े लगे हैं। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी देखते हैं। तो अगली कहानी है जुलजुल की शादी। मेरे तिलिस्मी ग्लो, मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी दिखाओ। ग्लोब में साबू दिखाई देता है, सचमुच उसकी मांसपेशियाँ सुंदर और सुडोल हैं, मुझे उसके पास जाना चाहिए। जवान, मैं संसार की समर्थ जादूगरनी जुलजुल तुम्हें अपना पति चुनती हूँ, जाओ मुझे अपना काम करने दो।
तुम्हारी असीम शक्ति और मेरा जादू अगर मिल जाए तो हम दुनिया जीत सकते हैं। मिस जुलजुल, लगता है तुम्हारे दिमाग का कोई पैंच ढीला हो गया है। देखो, मेरी सुंदरता और जादू से मोहित होकर कई नौजवानों ने मेरा हाथ मांगा, मैंने सबको ठुकरा दिया। तुम्हारे इस कथन से मैं प्रभावित नहीं हुआ, मैंने सारी उम्र कुंवारा रहने का वचन लिया है। घमंडी, तुम्हें मुझे ठुकराने की सजा मिलेगी। चट्टान, इस पर गिरो और इसको चकनाचूर कर दो। और ये चट्टान ऊपर से गिरती है। ओह, बाल बाल बचा। थटाटट, तुम मेरी एक इच्छा तो पूरी कर सकते हो, मेरे यहाँ चाय पियो। मैं लस्सी पीता हूँ। लस्सी सही, अंदर आओ। लस्सी स्वादिष्ट है, जी भर कर पियो। जुलजुल, तुम हंस क्यों रही हो? हो हो, मैंने तुम्हें लस्सी में जहर मिलाकर दिया था जिसे तुम पी गए। जब कोई खिलौना मुझे नहीं मिलता तो मैं उसे तोड़ देती हूँ। तुम मर जाओगे। तुमसे शादी करने से मरना अच्छा है। क्या कहा? मेरी हार हो गई, इस जादुई छड़ी का क्या फ़ायदा? कड़ाक। चाचा चौधरी, मैंने साबू को जहर दिया था मगर वह मरा नहीं। आजकल हर चीज़ मिलावटी मिलती है, जहर भी। मुझे अपनी मम्मी हुलहुल के पास जाना चाहिए। जादूगरनी हुलहुल, तिलिस्मी आई ने, बता दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? हुलहुल, तुम। मुझे भूख लगी है, रोटी दो। पतिदेव, सब्र से काम लो, तुम्हें असली रूप में लाकर खाना देती हूँ। शूम शाह, लो तुम अपने असली शरीर में आ गए, खाना खा लो। मम्मी, मेरी बेटी को किसने रुलाया? तुम्हारे लाड़ प्यार ने जुलजुल को जिद्दी बना दिया है। तुमने मेरी बेटी को जिद्दी कहा, कुत्ता बन जाओ। साबू नाम का एक शक्तिशाली आदमी मुझे अच्छा लगता है मगर वह मेरे साथ शादी करने को तैयार नहीं। पुरुषों की राय नहीं पूछी जाती। जिस तरह मैंने तुम्हारे पिता को जानवर बनाकर रखा है उसी तरह इस जादुई छड़ी से तुम अपने शोहर को कुत्ता बना डालो। फिर देखना, वह सारी उम्र तुम्हारे पीछे तुम हिलाता घूमेगा। मैं यही करती हूँ, साबू चाचा चौधरी के घर पर मिलेगा। बेवकूफ़, तुमने मुझे ठुकरा कर मेरा अपमान किया, अब उसका नतीजा भुगतो। मैं तुम्हें कुत्ता बनाने जा रही हूँ। चूहे, मेरे घर से भागो। ई चूहा। ओह, जादुई छड़ी मेरे सिर को छूने से मैं जानवर बन रही हूँ। जुलजुल मुझे कुत्ता बनाने आई थी। मम्मी, ये तो जुलजुल खुद बुलबुल बन गई। चलिए आगे देखते हैं। तो अगली कहानी है राणा प्रताप की मूछ है। महाराणा, बादशाह अकबर ने संदेश भेजा है कि आप हमारी अधीनता स्वीकार करें, नहीं तो जंग होगी। अपने बादशाह से कह दो कि राजपूत मातृभूमि की रक्षा में मर जाएगा लेकिन किसी की दस्त कबूल नहीं करेगा। वाह प्रताप, जियो। वह अच्छा एक्टर है। घर पर, प्रिय आप ड्रामे में कोई दूसरा रोल क्यों नहीं करते? कांता, राणा प्रताप का रोल करते करते मुझे इतना अरसा हो गया है कि लोग मेरा असली नाम शंभुदयाल भूलकर मुझे प्रताप से संबोधन करने लगे हैं। अब मैं ड्रामे का लिबास उतारकर सोने जा रहा हूँ। दूसरे दिन, कांता, मेरा ड्रामे का सारा लिबास ज्यों का त्यों पड़ा है मगर मूछें गायब हैं। क्या दुनिया में मुझे तुम्हारी मूछों की रखवाली के सिवा और कोई काम नहीं? पिछले 8 दिनों में ये 8वीं बार मेरी मूछें खोई हैं, जाकर नई खरीदता हूँ। कैसी मूछें चाहिए? हिटलर की, स्टालिन की, रावण की, औरंगजेब की या बाल गंगाधर तिलक की? राणा प्रताप की। कांता, मैं नई मूछें खरीद लाया, आज रात मैं इन्हें लगाए हुए सोऊंगा ताकि यह खोए नहीं। अगले रोज, मेरी मूछें। मूछें खरीदते खरीदते मेरा दिवाला निकल जाएगा, मुझे चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए। चाचा जी, 9 बार मेरी मूछें खो चुकी हैं, मैं ड्रामे में रोल कैसे करूंगा? प्रताप, आओ तुम्हारे घर चलें। मिसेज कांता, मैं तुम्हारे लिए स्कार्फ लाया हूँ। चाचा जी, आप कितने अच्छे हैं। स्कार्फ कैसा लगता है? बहुत खूबसूरत। ओह, सिर में खुजली, स्कार्फ में जुएं थीं। बाल खोलकर जुएं झाड़नी होंगी। प्रताप, तुम्हारी खोई मूछें तुम्हारी पत्नी के बालों से निकली हैं। मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपना जूड़ा बड़े से बड़ा करने का शौक था। चूँकि तुम्हारी मूछें मेरे बालों जैसी काली थी, मैंने रात को चुरा कर अपने जूड़े में रख लेती थी। ये तो गजब की बात है। चलिए अगली कहानी देखें। तो अगली कहानी दोस्तों, जॉगिंग। साबू, सुबह ही किधर चल दिए?
चाचा जी, मैंने हर रोज़ जॉगिंग शुरू कर दी है, इससे शरीर फिट रहता है। कुछ दूर रंगसाई सड़क पर तेल क्यों फैला रहे हो? साबू के सोने के कुंडल हथियाने के लिए जीन रम्स, पर साबू बहुत ऊंचा है, तुम्हारे हाथ उसके कानों तक कैसे पहुंचेंगे? वे कुंडल मेरे हाथों में अपने आप आएंगे। जॉगिंग करते वक्त साबू का पैर ज्यों ही इस फिसलन वाले तेल पर पड़ेगा, वह गिरेगा और कुंडल मेरे हाथ में होंगे। आज दूर तक दौड़ लगाई जाए। फिसलना, झटके से उसके कुंडल कानों से उतर गए। अब ये मेरे हैं, यह सोना हजारों रुपये का बिकेगा। अरे रुको, अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। क्यों ना इस दौड़ती कार से लिफ्ट ले ली जाए। हो हो ओ, रेड लाइट पर कार खड़ी हो गई। मुझे बचकर निकल भागना चाहिए। वह लंबू मेरे पीछे आ रहा है। इस मकान में आश्रय लेना चाहिए। देखा, लंबा होना कितना हानिकारक है। तुम इस मकान में घुसकर मुझे नहीं पकड़ सकते। बाहर खड़े खड़े मुंह ताकते रहो। मेरे पास दूसरा रास्ता है। हु हुबा। क्यों? अरे यह लो अपने कुंडल, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। साबू, तुमने जॉगिंग से लौटने में देर लगा दी, तुम्हारा नाश्ता तैयार है। आज कुछ एक्स्ट्रा कसरत करनी पड़ गई थी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कॉमिक्स को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, उनको भी मनोरंजन करने दें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें मित्रों। तो चलते हैं, नमस्कार, अगली कहानी में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।